के पंचायत की एक शर्मनाक घटना है जो कि महिलाओं का आरोप है कि दलित समाज के बच्चों को आंगनबाड़ी में झाड़ू मराया जाता है, बर्तन में समाया जाता है। ये चीज़ हुआ है तो ये बहुत ही गलत है, इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। शिक्षा में सभी का बराबर अधिकार है और सबको अधिकार मिलना चाहिए। जो हमारे जो ये भी केसेस पार्टी है वो गरीबों का पार्टी है, उनके पास ना एक रुपया चंदा है ना कुछ है। से एक मुस्लिम प्रत्याशी है एकला कंसारी और धनबाद में कभी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दी गई। ये भी केसेस गरीबों का जो हक जो अधिकार है उस पर बात करता है, ये माटी का बात करता है। यहाँ हमारा कोई भी रिलीजन पे बात नहीं, हमारा अधिकार पे बात होता है, ये माटी का लड़ाई है। ये भी केसेस जीतता है तो उनका हक और उनका अधिकार यहाँ मिलेगा, ये विश्वास यहाँ के झारखंडियों में। तो अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं जेबी केसेस के सक्रिय कार्यकर्ता जो कि बहुत ही बेबाक बोलते हैं और बिना डरे बोलते हैं, सुनिए इनकी जुबानी। सबसे पहले हमारा सोनी डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। आपके चैनल को भी मतलब से बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे झारखंड में कितना असरदार होगा जेबी केसेस के प्रहार? सर देखिए, आज जेबी केसेस जो JLKM के नाम से जो चेंजिंग हुआ है, तो हमारे जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो भाषा आंदोलन से स्टार्ट होकर एक पार्टी का निर्माण होता है और उसके बाद ये 3 साल का आंदोलन आज लोकसभा के चुनाव में 8 जगह से अपना प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रही है। तो कहीं ना कहीं ये टाइगर जयराम महतो का जो आंदोलन है उस आंदोलन के माध्यम से पूरा झारखंड में एक आवाज़ बनकर निकला, ऐसा आवाज़ बनकर निकला कि आज इनके साथ जितने भी झारखंड के जितने झारखंडी हैं यहाँ के जो मूलवासी हैं आज जयराम महतो के साथ चलने के लिए तैयार हैं। उनके विचारों से वो जिस तरह की बात यहाँ बोलते हैं यहाँ के लोग एकदम प्रभावित हैं। जो बात बोलते हैं स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का, विस्थापन नीति का, उद्योग नीति का, इससे पहले आज़ादी के इतने साल होने के बावजूद भी वो झारखंड बनने के बाद आज 24 साल होने जा रहा है लगभग, लेकिन आज तक झारखंड के ऊपर कोई नहीं बोला कि झारखंड के लोग आज पलायन कर रहे हैं। इस विषय में आज एक भी ना यहाँ का सांसद ना यहाँ का विधायक कोई भी बात इस पर बोलना नहीं चाहता है। आज झारखंड का जो दर्द है, जो दुख है, ये चीज़ आज टाइगर जयराम महतो ने सबके सामने लाया। इसी माध्यम से आज पूरे झारखंड में वो एक आवाज़ बनकर निकला है, एक आवाज़ बनकर उभरा है और यहाँ के झारखंड वासियों को ये उम्मीद, ये आशा आज मिला है कि टाइगर जयराम महतो या उनके जितने भी कैंडिडेट जो हमारे 8ों सांसद प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, उनका ये भरोसा है यहाँ के झारखंडियों को कि अगर ये भी केसेस जीतता है तो उनका हक और उनका अधिकार यहाँ मिलेगा, ये विश्वास यहाँ के झारखंडियों में होना स्टार्ट हो गया। इसी के चलते आज पूरा झारखंड वासी ये भी केसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। 8 प्रत्याशी आपका, जिसमें से एक मुस्लिम प्रत्याशी है एकला कंसारी और धनबाद में कभी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया, पहली बार दिया गया, तो क्या मुस्लिम लोग वोट देंगे? पूरा धनबाद के लोग जो मुस्लिम समुदाय से एकला कंसारी खड़े हैं, पूरा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग उसको वोट देंगे? देखिए सर, ये सवाल बहुत ही अच्छा है आपका। जैसे कि जेबी केसेस का जो टिकट देना एकला कंसारी को, तो देखिए आज ये पहली बार हो रहा है कि धनबाद में किसी मुस्लिम कम्युनिटी को टिकट देने का काम किया है। तो ये टाइगर जयराम महतो को मैं सबसे पहला धन्यवाद देना चाहूँगा कि वैसे कैंडिडेट को यहाँ दिया है। सिर्फ आप ये मत देखिए कि मुस्लिम कैंडिडेट है, हम लोग यहाँ जो झारखंड है, जो धनबाद में हम लोग हैं, यहाँ हम लोग सारे लोग, सवाल है यहाँ पे कि मुस्लिम कम्युनिटी का लोग उन्हें मदद करेंगे, फुल्ली सपोर्ट करेंगे पूरा बढ़ चढ़ के? एकदम सर, देखिए जिस प्रकार हम लोग जितना हम लोग धनबाद में जितना विधानसभा में हम लोग घूमे वहाँ तक एकदम मुस्लिम के जितने भी लोग थे उनको समर्थन में थे, और क्यों ना हो, क्योंकि वो हक और अधिकार का बात करता है। ये जेबी केसेस गरीबों का जो हक जो अधिकार है उस पर बात करता है, ये माटी का बात करता है। यहाँ हमारा कोई भी रिलीजन पे बात नहीं, हमारा अधिकार पे बात होता है, ये माटी का लड़ाई है। तो इसमें सारे लोग उनके साथ हैं, हम लोग हिंदू कम्युनिटी से आते हैं फिर भी हम लोग इकला को समर्थन करते हैं ताकि जेबी केसेस आगे बढ़े, जेबी केसेस का विचार आगे बढ़े, और जेबी केसेस आगे बढ़ेगा तो यहाँ के लोग भी आगे बढ़ेंगे और यहाँ के लोगों का अधिकार भी मिलेगा, ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है सर। कहीं ना कहीं मार्केट में हल्ला है मुस्लिम महतो मंडल और आदिवासी, ये सब का एक करके मतलब कि हल्ला कर रहा है ये सब मिलके कि सब एक होके वोट देगा, कि कहाँ तक इसमें कितनी सच्चाई है? सर चुनावी प्रक्रिया में सर बहुत तरह का बात आता है, हम लोग उस पर सर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग हमारे जो कैंडिडेट हैं
इखलाक अंसारी जी उनके आज जितने भी प्रचार प्रसार हो रहे हैं उनके साथ देखिएगा आप, क्योंकि जो हमारे जो ये भी केसेस पार्टी है वो गरीबों का पार्टी है, उनके पास ना एक रुपया चंदा है ना कुछ है, वो जितना हो सके हम लोग खुद अपना व्यवस्था करते हैं, अपना पॉकेट का खर्चा से घूमते हैं। और आज भी देखिएगा कि उनके साथ कभी भी लोगों का लोग कम नहीं हुए हैं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देख के लगता है ना कि आज लोग ये भी केसेस को पसंद करते हैं, उनके विचारों को पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं महतो पार्टी बोल रहे थे बहुत सारे लोग, इसमें कितनी सच्चाई है सर? महतो पार्टी तो इसी में तो आपका ये सवाल तो ये हो जाएगा कि हमारा यहाँ को धनबाद का जो लोकसभा कैंडिडेट है वो मुस्लिम कैंडिडेट है, इसी में तो ये सवाल का ही हो जाता है कि इनके साथ हम हमारा टाइटल हुआ रहा है, हम हिंदू में ही आते हैं, लेकिन फिर भी हमको उनका विचार अच्छा लगता है। हम ये भी केसेस को पसंद करते हैं, हम टाइगर जयराम महतो को पसंद करते हैं, उनके विचारों को पसंद करते हैं, इसलिए हम उन लोग के साथ हैं। क्योंकि पंचायत की एक शर्मनाक घटना है जो कि महिलाओं का आरोप है कि दलित समाज के बच्चों को आंगनबाड़ी में झाड़ू मरवाया जाता है, बर्तन मसवाया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर देखिए, हम लोग इस विषय में हम लोग कालीमाटी पंचायत का जो दौरा था तो उसमें हम लोग कालीमाटी पंचायत गांव कालीमाटी में ही गए थे, तो वहाँ इस तरह का बात वहाँ के महिलाओं लोग ने बताया हम लोगों को, खुलेआम कह रहा सब महिला। तो सर ये चीज़ अगर वाकई इसमें अगर सही है, अगर ये चीज़ हुआ है तो ये बहुत ही गलत है, इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। शिक्षा में सभी का बराबर अधिकार है और सबको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ जो सुनने में आ रहा है ये बहुत ही, अगर ये सही है तो ये बहुत ही चीज़ गलत है। दलित समाज का बच्चे लोग एकदम बताइए, शिक्षा पर सबका अधिकार समान है, लेकिन इस पर अगर इस तरह का अगर कार्य अगर किया जाता है तो अगर इस पर जांच हो और जांच कर इस पर जो भी उचित कार्रवाई हो उस पर किया जाए। कहीं ना कहीं पहले वाला जमाना का याद आ रहा है, जो अगला पिछड़ा जैसे करते थे उस तरह का रवैया दिखाई दे रहा है। जी सर, ये आप बता रहे हैं कि हम लोग देश आज़ादी से पहले का जो यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, जाति का भेदभाव बताकर, उसी तरह का इस तरह का बात आज सुनने को मिला सर, जो ये चीज़ बहुत ही गलत है, सुनने में इतना खराब लग रहा था। बताइए वैसे बच्चा को जो आज क्या ठीक से बोलने नहीं आता, अगर उसको झाड़ू मरवाता होगा, अगर उससे थाली धुलाता होगा तो क्या जरूरत है आंगनबाड़ी पढ़ाने का? छोड़वा दीजिए आंगनबाड़ी कि भाई हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, हमसे नहीं होगा, किसी दूसरा को दिया जाएगा। इस तरह का घटना बहुत ही निंदनीय घटना है और इस तरह का घटना ना हो, इस पर विभाग को एक्शन लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में कीमती समय देने के लिए। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।